कहते हैं भारतीय संविधान में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो आइए ले चलते हैं आपको बंगाल के इस सबसे बड़े त्यौहार में और दिखाते हैं कुछ झलक। हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वार्ड कवर हो सके और वहाँ की आंखों देखी खबर हम आप तक पहुँचा सके। हमारे इस पूरे फील्ड रिपोर्ट में सबसे अनोखी बात जो देखी गई है वो ये है कि पूरे जीपी 1 और जीपी 2 में शांति का वातावरण बना रहा। बंगाल जिस तरीके से बदनाम है वायलेंस के लिए ड्यूरिंग इलेक्शंस, जीपी 1 और जीपी 2 में बिल्कुल ही नहीं देखा गया। हम सभी जानते हैं कि इस बार के बंगाल के इस चुनाव में सुरक्षा बल की काफ़ी कमी थी, उसके बावजूद भी किसी भी वार्ड से, किसी भी पोलिंग बूथ से किसी भी तरीके के वायलेंस की शिकायत नहीं आई है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आइए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता टीना सूत्रधर से, जिन्होंने आज के संपूर्ण दिन के जिन जीपी 1 और जीपी 2 के सभी बूथों का दौरा किया और कड़ी धूप और बारिश के बावजूद भी हर बूथ से खबर इकट्ठा किया। देखिए, हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है, इसमें जो हमारी ये 11-25 से लीना मिंज, तो हम लोगों का जो आशा है कि पूर्ण रूप से हम लोग जीत रहे हैं, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, क्योंकि वोट का जो परसेंटेज है और परसेंटेज के हिसाब से हमारा जो गणना है, गणना के हिसाब से हम लोग पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। साथ ही हमारे जो पंचायत समिति है उनका भी रिपोर्ट बहुत अच्छा है, वो भी निकल रहे हैं, और जिला परिषद का जो कैंडिडेट हमारी पासंग डी की शेरपा जी है, तो उनके बराबर का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए पूर्ण श्योर रूप से कि हम लोग जीत रहे हैं और आगामी जो बोर्ड होगा हमारे टीएमसी का ही होगा, हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त है। इसलिए लगभग अभी हमारे यहाँ 2 काउंटर है, दोनों काउंटर में मिलाकर लगभग अभी 700 के आसपास हमारी वोटिंग हो चुकी है, 7-7.5 के आसपास हुई है, तो बीच में बारिश होने की वजह से कुछ परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन अभी जिस हिसाब से वोटर आ रहे हैं उस हिसाब से आगे जो है मेकअप करके और अच्छा ही परसेंटेज रहेगा वोट का, ये हमारी आशा है। नहीं, हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि पीसफुल है, हमारे इस क्षेत्र में यही तो खूबी है कि हम लोग चाहे किसी भी पार्टी को हो, किसी भी दल से हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में हमेशा पीसफुल वातावरण रहा है और हम लोग सभी मिलजुल कर जो है अपना भाईचारे को कायम रखते हुए इस इलेक्शन को अंजाम दे रहे हैं। सर, आप लोग की पार्टी की जो कैंडिडेट है उनके बारे में कुछ बताइए। ये कैंडिडेट बहुत सीधा सरल, एजुकेटेड, इसके अगेंस्ट में जो टीएमसी के कैंडिडेट है बिल्कुल निरर्थक है। हमारा कैंडिडेट एजुकेटेड है, बिल्कुल सरल है, ये आगे चल करके बहुत सारा काम करने का अपना क्षमता रखती है। अब तक की जो वोटिंग की जो सिचुएशन है उसके बारे में बताइए। वोटिंग यहाँ बिल्कुल शांत ढंग से हो रहा है, ऐसे भी जीपी 1 बीजेपी का गढ़ है, पहले गोजमोमो का गढ़ था, अभी गोजमोमो का जो ये है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इस तरह से देखा जाए तो जीपी 1 बिल्कुल बीजेपी का गढ़ बन चुका है, बीजेपी ही पंचायत दखल करने जा रही है, ये हम 100% बोल रहे हैं। हमारी संवाददाता ने सभी बूथों का ब्यौरा किया और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वोटर्स एवं नेताओं से बात की, कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। सभी बूथों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किया गया। काफी तेज बारिश और कड़ी धूप के बावजूद भी मतदाता कतार में बने रहे अपने चुनिंदा कैंडिडेट को जिताने के लिए, ताकि वे जीत कर इसी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। हालांकि बहुत सारे मतदाताओं की शिकायत ये थी कि काफी समय लग रहा और उन्हें कतार में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा, परंतु इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही चुनाव में 3 टायर इलेक्शन होने की वजह से वार्ड मेंबर कैंडिडेट, पंचायत समिति कैंडिडेट और जिला परिषद कैंडिडेट तीनों के पर्चे पे टप्पा लगा के बैलेट बॉक्स में डालना होता है, इस वजह से इस प्रक्रिया में समय लगता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में कुछ बताइए। हमारे पार्टी के कैंडिडेट फुरबा लामा है, जो 11-14, 11-15 के कैंडिडेट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत खुशी की बात है कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, और दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ जो 11-14 और 11-15 में जो हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैं बोलना चाहूँगा कि 11-15 में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थोड़ा लेट कर रहा है। नहीं, वोटिंग तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वोट हम लोग को मिलना है टीएमसी को मिलना है वो टीएमसी को ही मिलेगा,
लेकिन जो वोटर्स है उनको तकलीफ होने जा रहा है, बस उतना ही है, फर्क उतना ही है। जो हम लोग का मिलना है, वोट मिलना है, वो हम लोग का ही मिलेगा, चाहे एक घंटे बाद में मिले चाहे अभी मिले। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो वोट एक घंटा आगे खत्म होना चाहिए था, वो वोट अभी खत्म नहीं हो रहा है, उसका चलते मेरा हम लोग का जो गांव का वोटर्स है उनको तकलीफ होने जा रहा है। हमारा जो प्रतिदिन यहाँ पर बीजेपी और आपका वाम फ्रंट है, लेकिन वाम फ्रंट का अभी हमारा बूथ पे कोई भी अस्तित्व नहीं है। इवन आपका बीजेपी का भी हालत वही है। यहाँ तक हालत है कि वो लोग का जो पुलिंग एजेंट था, सुबह वोटिंग स्टार्ट होने के बावजूद पुलिंग एजेंट भी नहीं मिला था। तो अब यही है, सारा गांव का जनता हमारा पक्ष में वोटिंग कर रहा है, तो ये आशा करते हम लोग भारी मत से यहाँ से जीत के जाएंगे। हनुमान मंदिर धर्मशाला के अंदर में 5 बजे पोलिंग बंद हो गई, पेटियां सील हो रही है। बड़े शांत वातावरण से वहाँ पर चुनाव हुआ और पुलिस प्रशासन ने भी फुल सहयोग दिया। अब जितना वोटर है आप तो देख रहे हैं, वार्ड नंबर 3 और 4 में बहुत सारे वोटर है जो लाइन में लगा हुआ है। अभी तक वो लोग लाइन में खड़े को सबको टोकन समय पर बांट दिया गया है और सारे मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पर शांतिप्रिय ही वोटिंग हो रहा है। पुलिस की भूमिका तो देख रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं, पुलिस बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जनता बहुत शांतिप्रिय से अपना वोटिंग यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी हमारे साथ खड़ी है राधिका आंटी की जी, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। असुविधा के भाई ना, अब मैं शांतिपूर्वक वोट होस, यहाँ कोई लड़ाई लापा छैन, यहाँ जोले 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 जित्छ जित्छ, लापा लड़ाई मलाई मन पर्दैन, मलाई दंगा फसाद मन पर्दैन, मैले बिहानै भनिसकेको थिएँ। तर जे पनि होस्, हाम्रो दयाल भाइले राम्रैसँग राम्रै आफ्नो मान्छे सम्हाल्यो, हाम्रोमा त त्यस्तो केही पनि थिएन, हाम्रोमा त्यस्तो कोही त्यस्तो बदमास थियो, कोही दंगा फसाद गर्ने खालको थिएन, राम्रैसँग भयो। अरू पार्टी पनि ठिकैसँग सबैजना राम्रैसँग दंगा फसाद नभई भयो। इस वक्त घड़ी के 6:30 बज रहे हैं और हम आपको बता दें कि जयगांव सुभाषपल्ली रामकृष्ण जूनियर हाई स्कूल में हम आ पहुंचे हैं, जो कि वार्ड नंबर है 11-3 और 11-4। सुबह से लेकर लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट हमने देखा है, अब तक इतनी धूप बारिश और इतनी कचरों के बीच में भी लोग खड़े हैं, इतने पेशेंस रखे अपने फेवरेट उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो आइए देखते हैं वो सिचुएशन, अंदर जाके हम लोग देख पाएंगे सिचुएशन कैसे है। जाते जाते हम अपने दर्शकों को बता दें कि सभी उम्मीदवार की किस्मत इस बैलेट बॉक्स में बंद हो चुकी है, जो कि 17 तारीख को खुलेगी, और इन सब के अपडेट्स JCN आप सब तक 17 तारीख को दोबारा पहुंचाते रहेगी। आप देखते रहिए JCN, आपका अपना चैनल। भाई यो हात पोल्छ